हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट माय वर्ड्स। आज मैं एक नए टॉपिक के लिए आया हूँ जो कि मैंने अब तक कोई भी वीडियो मीडियम पेसर की स्किल्स पे ड्रिल्स पे बात नहीं करी है। अब चांदी आने वाली है मीडियम पेसर्स की, क्योंकि अब नॉन स्टॉप बैक टू बैक वीडियोज़ आने वाली हैं कमाल की, एक एक टॉपिक पे बहुत ही डेप्थ के साथ। और अगर ये चीज़ आप समझ गए ना तो फिर कमाल कर लेंगे। तो आज प्री टर्न पे बात करेंगे। प्री टर्न जितने भी साइड ऑन बॉलर का अच्छा रहता है ना, तो उनका जो बॉडी मूवमेंट है, बॉडी रोटेशन है ना, वो बहुत ही अच्छे से यूज़ होता है, पूरी फोर्सेस यूज होती हैं, क्योंकि उनका जो प्री टर्न अच्छे पोस्चर के साथ चलता है ना, तो फिर वो एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। और यही चीज़ें आपकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है, जो भी आप एबिलिटी रखते हैं ना, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, अच्छे से दिखा पाएंगे। तो गाइस अच्छे से देख लेना, जितने भी बॉलर्स देख रहे हैं ना, तो आपने थायरा बैंड लेना है। अगर कोई बच्चा 12 13 साल का, तो लेवल उस हिसाब से लेना, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से लेना। और किसी बच्चे का जो होता है जींस नहीं होते, मसल उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उतने ज़्यादा स्ट्रेंथफुल नहीं है, तो वो डेवलप कर सकता है इन चीज़ों से। और किसी का अगर स्ट्रेंथ है बट उनका चलता अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं उन्होंने रॉन्ग मतलब बॉल डाल डाल के अपने को रॉन्ग कर रखा है, अपनी जो प्री टर्न को गलत तरीके से कर रखा है, या ज़्यादा कोलैप्स हो जाता है, तो वो चीज़ इनके लिए बड़ी अच्छी है। थोड़ा स्ट्रेट ही रख उसको, है ना, ज़्यादा आराम से चला, आराम से वीडियो में अच्छा आएगा। तो ये चीज़ें आपने समझनी है। ये देखिए, हर पोस्चर से दिखा रहा हूँ मैं। और ये देखिए प्री टर्न कितना अच्छा है। ये जो आपका हिप सेपरेशन है ना, एकदम स्ट्रेट आ रहा है बैट्समैन की तरफ, जो कि आपको पूरी तरह से अलाउ करेगा आपकी बॉडी फोर्सेस को, कि आपने सामने ही सामने आप पूरी जोर आजमाइश करेंगे ना, तो आपकी पूरी बॉडी लगेगी, चीज़ें ही ना आपको अलग बनाएंगी। इधर थोड़ा सामने से ले लीजिए आप। अभी अब देखिए स्ट्रेट व्यू देख लीजिए आप। प्री टर्न होते ही बैक बिल्कुल बैट्समैन की तरफ आ गया, बिल्कुल स्ट्रेट पोर्शन है, जो कि एक अच्छा साइन है, एक अच्छा बैलेंस है, एक अच्छा पोस्चर है। आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं ना, तो फिर आप कमाल करेंगे। संतुलन जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, सही डायरेक्शन में चलेगा अकॉर्डिंग टू आपका फाउंडेशन, उतना ज़्यादा आपको फायदा। जो भी आप ड्रिल कर रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपको उसी हिसाब से करना, नॉर्मल रखनी है चीज़ों को, सिंपल रखना है चीज़ों को। जैसे ये अपना प्री टर्न की एक्सरसाइज कर रहे हैं थायरा बैंड के थ्रू, कल बढ़ा सकते हैं थायरा बैंड का, जिससे क्या होगा आपकी फोर्सेस बढ़ेंगी। थोड़ा पीछे करिए। और इसके साथ साथ क्या, आपने स्ट्राइड का बड़ा अच्छा ध्यान रखना है। स्ट्राइड आपने नॉर्मल निकालना है, जितना कि आप कंफर्टेबल रहें, जितना आपका पोस्चर कंफर्टेबल रहे और पूरी एनर्जी का यूज़ कर पाए। आप नहीं कि आप ये चीज़ कर रहे हैं, मेरी वीडियो देखी और आप स्ट्राइड लंबा करके ये सब कर रहे हैं, वो गलत हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा चीज़ें गलत हो जाएंगी आपके लिए। बट आपने नॉर्मल रहने देना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। गाइस, ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, एक एक टॉपिक पे डालूंगा, हर एक चीज़ पे आपको बारीकी से पता लगेगा आपकी नॉलेज। मैं चाहता हूँ कि नॉलेज इस लेवल की हो, आपको वो समझ उस लेवल की हो क्रिकेट में, कि आप अपने आप को ना कोचेबल हो जाए। कोचेबल मीन्स होता है कि आप मतलब इतना कुछ सीख चुके हैं कि आप अगर 1.5-2 महीने प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो कोच भी नहीं है, तो आपको पता है कि व्हाट आई एम डूइंग। अगर आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, आपको पता है कि मैं इस प्लान को ऐसे एग्जीक्यूट करूँगा, मुझे बेनिफिट होगा, तो गारंटी है यार आपकी इंप्रूवमेंट होगी। आपको मुझे पूरा श्योरिटी, आपको समझ आ रहा हो जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो गाइस बैक टू बैक वीडियोस डालूंगा पेसर्स पे, और चांदी होने वाली है पेसर्स की, गारंटी से कह रहा हूँ। और जैसे मैं समझा रहा हूँ ना, फॉलो करते रहना। और यार उसके बाद थोड़ा टाइम लेना, एक प्लान दूंगा, प्लान बहुत ही शानदार होगा पेसर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए, ताकि वो आपकी आने वाली प्लानिंग जो आपने सोच रखी है ना, उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट बॉयज़।